सर्वदलीय बैठक में चीन पर बहस न कराने के लिए बनी सहमति। कल राज्यसभा में राजनाथ सिंह देंगे बयान। चार महत्वपूर्ण बिलों पर भी हुई चर्चा। 7 सितंबर से पहले दक्षिण पैंगोंग इलाके में भारत चीन के सैनिक थे आमने सामने। फिंगर 3-4 पर दोनों तरफ से 100-200 राउंड गोलियां चली। चीन के मसले पर गृह मंत्रालय का बयान। पिछले 6 महीने में एलएसी पर नहीं हुई घुसपैठ। राहुल गांधी ने उठाया सवाल, कहा बार बार क्यों बदलते हैं बयान, किसके साथ है मोदी सरकार। बाबरी विध्वंस पर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 30 सितंबर को सुनाएगी फैसला। आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 32 लोग हैं आरोपी। दिल्ली दंगों में पुलिस ने 17,000 पन्नों की चार्जशीट की दाखिल। 15 लोगों को बनाया गया आरोपी। उमर खालिद, शर्जील इमाम का नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आएगा। सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी टीम के एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव। पूछताछ रोकी गई। सीबीआई टीम मुंबई से दिल्ली लौटी। एम्स के डॉक्टर उससे करेगी मुलाकात। कंगना ने फिर साधा जया बच्चन पर निशाना। पूछा कौन सी थाली दी है हीरो के साथ सोने पर आइटम नंबर्स का रोल मिलने की। जयप्रदा भी रवि किशन और कंगना के सामने समर्थन में आई। भारत में कोरोना केस का आंकड़ा पहुंचा 50 लाख के पार। पिछले 11 दिन में 10 लाख लोग हुए बीमार। अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। 39 लाख से ज्यादा हुए। टाटा ग्रुप बनाएगा संसद की नई बिल्डिंग। 861 करोड़ रुपए में मिला ठेका। 7 कंपनियों ने लगाई थी बोली। मॉनसून सत्र के बाद शुरू हो सकता है निर्माण कार्य। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।